Warning. सभी को नमस्कार है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है। मैं आप लोगों के लिए YouTube पे एक ऐसी सीरीज चला रहा हूं जिसके अंदर आप एक ऑप्शन चेन होती है जो आपके बगल में चल रही है भी हमारे यहां पे। अभी तक मेरे पास में कम्युनिटी है मेरी, उसके अंदर 22 लोग अभी क्लास में मौजूद हैं और ये रोजाना क्लास 8 बजे के आसपास या 8:30 पे स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से करीबन 1.5 घंटे के आसपास की हमारी क्लासेस चलती है। कभी कभी 2 घंटे हो जाती है, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ 1.5-2 घंटे क्लास रोजाना होती है और महीने में 22 दिन होती है। इस मार्केट में जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, जो आज इसका जुनून लोगों पे छाया हुआ है, जबरदस्त जुनून है इंट्राडे में। लेकिन एक अगर आप थ्योरी को मार्केट में जाके देखेंगे तो जो एक्चुअल थ्योरी है इस मार्केट में, चाहे आप कोई सा भी पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ भी किसी भी टूल को आप इस्तेमाल कर रहे हो, कभी भी आपने उसकी स्टडी नहीं की होगी। स्टडी का मतलब होता है कि कोई भी स्टडी करने के लिए आपको समय देना पड़ता है। अगर आप एक पान की दुकान भी लगाएं और आप पान की दुकान लगाने से पहले अगर आप उसको खोलेंगे, उसमें 1-1.5 लाख-2 लाख रुपए की पूंजी लगाएंगे, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसमें भी आप सफल नहीं हो सकते हो। क्योंकि आपको उसमें जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट्स जो बिकते हैं धूम्रपान संबंधी, उन सारों के पता होना चाहिए कि ये कहां से आती है, क्या नाम होता है, क्लाइंट आपसे कोई चीज मांगेगा वो आपको पता भी है कि नहीं है, और उसमें भी होता है कि कौन सी मार्केट में चीज बिक रही है आपके एरिया में, किस भाव आ रही है, मुझे किस भाव बेचना है। यानी कुल मिला के वो भी एक पान की दुकान खोलना भी अपने अंदर एक हुनर है। चाहे वहां पे एक व्यक्ति 800-1000 रुपए रोज कमाता है, ऐसी नहीं कमाता है, 800-1000 रुपए कमाता है व्यक्ति, लेकिन उसके लिए भी हुनरमंद होना जरूरी है। और आप ऐसे मार्केट को देख रहे हो जहां पे कोई लिमिट ही नहीं पैसे आने की, इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें ये कहा गया है कि आप जो लगाते हो उसके अंदर, शायद मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बड़ी चीज तो नहीं कहूंगा, अगर एक बहुत अच्छी आपको नॉलेज मिल जाए, आप 1.5 साल का एक बहुत बेहतरीन कोर्स कर लो, जैसे आप आईपीएस आईएएस की तैयारी करते हो या किसी सरकारी नौकरी के लिए किसी बच्चा तैयारी करता है 6 महीने के लिए, है ना, और पहले वो पढ़ाई कर चुका होता है, उसके बाद भी वो 1.5 साल वापस मेहनत करता है, किसी एग्जाम को देता है, उसमें ये अलग बात है कि वो कुछ नंबरों से रह जाए या पास हो जाए, लेकिन वो तकरीबन अगर मेहनत करता है तो उनके आसपास ही वो बच्चा भी होता है जो कंटिन्यू, जो मेरिट होल्डर होते हैं जिनकी सर्विस लगती है, वो भी उन्हीं के आसपास होता है। लेकिन चूंकि उसमें नंबरिंग का खेल है, क्योंकि सीटें लिमिटेड होती है और वो जो कुछ व्यक्ति ही पास हो पाते हैं माइनर से, लेकिन वो व्यक्ति कोई कमजोर नहीं था, फेल हो गया जो व्यक्ति कमजोर नहीं था, मैं कभी कहूंगा ठीक है, हर व्यक्ति परसेंटेज वाइज चुनाव होता है, उसमें थोड़ा माइनली परसेंटेज की वजह से वो रह जाते हैं। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति जिसने प्रिपरेशन किया ही ना हो और वो एग्जाम देने चला गया, वहां ब्लैंक पेपर छोड़ के आ रहा है, गलत सलत करके आ रहा है, तो भैया उसकी वो व्यक्ति जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। ऐसे ही आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या किसी भी टूल से करें, या 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, अभी तक भी आपको लॉसेज है, अगर प्रॉफिटेबल है तो बेटर है, बहुत अच्छी बात है कि आप कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हैं। आप कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हैं इसका मतलब आपने वो सीढ़ी पार कर ली है जो करनी चाहिए। अच्छा, जो भी पुराना ट्रेडर होगा, यानी ऑलमोस्ट मैं हूं या मेरे साथ में कई ग्रुप में मेंबर हैं वो भी होंगे, इसके अलावा जो भी व्यक्ति आपको YouTube पे नजर आता है, वो 2 तरह के लोग हैं, मैं बता दूं आज। एक तो वो व्यक्ति है जो ट्रेडिंग नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं से YouTube पे दूसरों के टॉपिक्स को पढ़ के और अपना टॉपिक बना देता है, एक तो वो शख्स होता है। तो देखिए, वो तो आप मान के चलिए वो आपको असली गूढ़ रहस्य तो कभी बता ही नहीं सकता, वो चाहे कितने ही वीडियो बना ले, वो आपको गूढ़ रहस्य नहीं बताएगा। और अभी मैंने जो एक चीज पाई है वो ये पाई है कि कम से कम 60% यूट्यूबर जो आपको शेयर मार्केट की नॉलेज देते रहे, आप उनको पता नहीं क्या क्या समझते हैं, वो अपना एक्चुअल पैसा लगाते ही नहीं है, वो अपना पैसा लगाते ही नहीं है, वो सिर्फ चूंकि उनको ये चैनल पसंद आ गया, यानी कि चैनल वाला ये टॉपिक पसंद आ गया, पब्लिक इस टॉपिक की तरफ, ऑलमोस्ट कोविड के समय में लोगों ने एकदम से इस क्षेत्र में ज्यादा कदम रखा, तो उनको लाखों सब्सक्राइबर मिल गए। लाखों सब्सक्राइबर होने से मतलब नहीं है, क्या वो लाखों लोग सफल हो गए, मेरी बात यहां पे है, जो उनके पास आए क्या वो सफल हुए या नहीं हुए, बात कल मिला के ये, आप एक क्लास में 20 बच्चों को पढ़ाइए या एक पूरे बड़े हॉल में 1000 लोगों को पढ़ाइए, अगर वो 20 बच्चे सफल हो गए तो 1000 बच्चे जो सेमिनार में आए तो सब बेवकूफ थे, पूछे क्यों। अगर जो पढ़ाने वाला बंदा होता है पहले नंबर पे, तो वो खुद उस चीज के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे वो छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, उसको मार्केट के अंदर जो नॉलेज होनी चाहिए वो खुद की होनी चाहिए, न कि यूट्यूब से सुनी सुनाई नॉलेज। रियल मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि डायरेक्ट रियल मार्केट में बहुत कम चैनल बनाते होंगे लोग, जो डायरेक्ट रियल मार्केट, जैसे कि मैं
मैं रियल मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग आपके सामने करता हूं, आपको सामने सच्चाई बताता हूं कि मार्केट में ऐसा ऐसा होने वाला है, उसकी परसेंटेज वाइज संभावना बताता हूं कि मार्केट में विनिंग चांस इस वक्त आपके द्वारा ली गई ट्रेड के कितने हैं, 70% है, 80% है, 90% है या 99% है, 100% तो होता ही नहीं कभी भी, 100% कभी होता है, मैं कई बार दे देता हूं 100% मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वो रोज नहीं बोल सकता हूं। कई बार हमारी जो थ्योरी होती है, बिल्कुल हम लोग सारी चीजें पढ़ाई करते रहते हैं, और चूंकि इस मार्केट में हमको आज कम से कम इस एलटीपी कैलकुलेटर, वैसे तो मैं मार्केट में काफी पहले से हूं, लेकिन उस वक्त कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, मैं चार्ट पैटर्न के द्वारा शेयर मार्केट को बहुत अच्छा समझता था, उसके बाद में कैंडलस्टिक पैटर्न में कुछ हमने कोर्स किया पर्सनली, लेकिन वहां मजा नहीं आया, तो मैंने ऑप्शन चैन का जो ऑप्शन चैन होती है जहां से पहले ही पता लगाया जा सकता है कि मार्केट में ये संभावनाएं बन सकती है, और ये आपने देखा भी होगा कि लोग बाग एक दिन पहले ऑप्शन चैन को देख के बताते हैं मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, या मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ होगा, सपोर्ट कहाँ होगा, कहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, वो कहाँ से बताते हैं, वो इन ऑप्शन चैन से बताते हैं जो आपके सामने है। ये एलटीपी की ऑप्शन चैन है, ये ऑप्शन चैन अपने आप में एक बेहतरीन चैन है, और इसके द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि मार्केट में क्या क्या संभावनाएं बनती है और कैसे बनती है। लेकिन इसका कोर्स ऑलमोस्ट मैं मान के चल दो, एक बिगनर के लिए बिल्कुल, अगर वो रेगुलर अगर लाइव मार्केट को छोड़ दिया जाए टाइम को, क्योंकि लाइव मार्केट को पता नहीं होता है व्यक्ति 9 बजे बैठता है 3 बजे उठता है, अगर उस टाइम को छोड़ दिया जाए ऑलमोस्ट 4 से 6 घंटे, अगर वो डेली नियमित 1 ईयर तक दे देगा, 1 ईयर नॉन स्टॉप, और इसका साथ मिल जाए एलटीपी कैलकुलेटर का, और साथ में मैं कहता हूं मेरा साथ मिल जाए, मैं अपने आप को इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने एक बेड़ा उठाया है कि लोग इस मार्केट में जो पैसा गंवा रहे हैं अज्ञानतावश गंवा रहे हैं, उन्होंने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया, उनको 1.5-2 महीने कहीं से कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, फलाना देखा, ढिकड़ा देखा, या किसी से टिप्स ली, वो नॉलेज तो हर किसी को आ जाती है सर शेयर मार्केट में। आप, मैं बता रहा हूं, अखबार पढ़ने वाले को भी नॉलेज चाहिए जिंदगी में उसने ट्रेड करी चाहे नहीं करी, इस बात को आप मत मानिए। आप राजनीति में चल जाइए, अखबार पढ़ के आप प्रधानमंत्री से बढ़िया व्यक्ति प्रधानमंत्री से ज्यादा राजनीति बता देगा आपको, या मुख्यमंत्री से ज्यादा राजनीति चीजें वो बता देगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति कंटिन्यू किसी चीज को देख रहा होता है, चाहे उसने उस फील्ड में कभी उतरा नहीं, तो वो भी ज्ञान दे देगा। आप लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मुझे आ गया, अगर आ जाता तो कभी आप लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं होते, पहली बात ये, लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं होते आप लोग। अपनी सच्चाई को छुपाइए मत कि आपने अगर सक्सेसफुल हो तो फिर आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस मार्केट में सीखना जरूरी भी है, कंटिन्यू कुछ ना कुछ नया सीखना भी जरूरी है, ये कुछ नया होता रहता है, वॉल्यूम जनरेट होती है, उससे मार्केट में इंपैक्ट अलग पड़ता है। अभी मेरा एक टॉपिक, वैसे तो मेरे काफी टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे डले हुए हैं और मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, और एलटीपी के द्वारा पढ़ा रहा हूं, जो मुझे बहुत ही अच्छा टूल लगता है, बहुत बढ़िया बेहतरीन टूल है ये, थोड़ा पेबल है, और ऑलमोस्ट मैं वन टाइम मैं फीस लेता हूं पढ़ाने की, 2025 रुपए इस टूल को हिस्टोरिकल डेटा पढ़ाने की, मैं हिस्टोरिकल डेटा पढ़ाता हूं, उसमें सब कुछ आ जाता है, ऑप्शन चैन का जो देखने का तरीका है उसमें आ जाता है, और वो इतना आसान है, इतना आसान है कि जो व्यक्ति अभी तक भी एलटीपी कैलकुलेटर सफल नहीं हुआ हो ना, ऑलमोस्ट 3 महीने मेरे साथ जुड़ जाए वो सफल हो जाएगा, वो 1.5-2 साल से भी सफल नहीं हुआ, कारण वही है कि वो मैं नहीं कर रहा था। कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती है शेयर मार्केट की, उनको फॉलो करना बहुत अनिवार्य होता है, और ज्यादातर लोग ये बताते हैं, लेकिन आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं जब लाइव मार्केट में बैठते हैं, और आप उसको, चूंकि लाइव मार्केट में आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया 5,000 से, तो आप 2,000 के लिए प्रयास करते हो, अगर आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया तो आप 20,000 के लिए प्रयास करते हो। आपने कभी उस पैसे को पैसा समझा ही नहीं, वो डिजिटल मनी है, आप जुआ खेल रहे हो बस खाली, और हम वो जुआ खेलना आपका बंद करवा देते हैं, इसलिए आप प्रॉफिट में हो जाते हैं, जो हमारे ग्रुप में ही हो रहा है। दूसरा कि सीखने की प्रवृत्ति है कि नहीं है, मुझे ज्वाइन करने से पहले सोचिए कि मुझे इस मार्केट में अपना 100% योगदान देना है सीखने के लिए। सिखाने वाला चाहे कितना भी बेटर हो, लेकिन सीखने वाला अगर तैयार नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। एक क्लास में एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है तो 100 में से 100 नंबर किसी के नहीं आते, लेकिन वो फेल होने वाला बच्चा एक ही वही होता है जो जब टीचर पढ़ाती है या टीचर जो नियम बताती है कि रेगुलर अध्ययन कीजिए, अपने घर पे जाके पढ़िए, होमवर्क कीजिए, रेगुलर स्कूल आइए, है ना, एग्जाम में ज्यादा प्रिपरेशन कीजिए, वो जो बात नहीं मानता फेल वही होता है। टीचर का काम है रास्ता दिखाना, चलना होता है आपका काम। ऐसे ही मैं लोगों को जब ये पढ़ाने का तरीका सिखाता हूं जो मैंने महसूस किया और जो मैंने आप लोगों के सामने लेके आया, तो मेरा निवेदन हमेशा जुड़ने, आप मेरे से कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है पहला यही सवाल होता है, क्या आप सीखने के लिए आपका टाइम है,
या आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हो कि सिर्फ पैसा लगा के कमाना चाहते हो, तो नामुमकिन है, नामुमकिन है। आप अगर कमा भी लोगे तो एक दिन पूरा वापस गवा दोगे, गारंटी है दूसरी। अगर आप किसी दूसरे के इशारे पे पैसा लगाते हो, कभी भी बर्बाद हो सकते हो, चाहे आप उस दिन 10 करोड़ के मालिक भी क्यों नहीं हो शेयर मार्केट के टिप्स के द्वारा, वो 10 करोड़ का मालिक भी बर्बाद है। हाँ, वो व्यक्ति सफल है जो अपना माइंड यूज करता है, सिखाने वाले जो टीचिंग लाइन के जो संबंधित व्यक्ति होते हैं वो अपनी तरफ से प्रयास, बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जो यूट्यूब पे सिखाते हैं, मेहनत करते हैं रात दिन, लेकिन वो आप लोगों को जो पर्सनल स्टडी हो आपको करनी होती है, होमवर्क आपको करना है, हमें नहीं करना है। और एक दिन होमवर्क करने से आप जीतोगे नहीं, 2 दिन करने से जीतोगे नहीं, 2 महीने करने से नहीं जीतोगे, 1 ईयर आंख मीच के यानी कि एक तरीके से अपने आप को समर्पित कर दीजिए इस मार्केट में। मैं कहता हूं LTP के से बेस्ट टूल नहीं है, लेकिन बेकार उनके लिए है जिन लोगों ने अभी तक भी क्या हुआ, इसलिए टूल को बेकार बता दिया क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की उसके ऊपर, इसलिए उनके लिए टूल बेकार है। और दूसरा, अपने जो दूसरे नियम होते हैं, एक तो होता है ये वाला, एक होता है कि जो लालच की प्रवृत्ति है, जुआ खेलने की प्रवृत्ति, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, वो प्रवृत्ति है तो भी बर्बाद है। ये मैंने कई लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तब उनकी पूरी दास्ता सुनी और आज वो प्रॉफिट में आए कि उनके नियम चेंज कर दिए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है कि मार्केट में जब ये परसेंटेज या जो संख्याएं बदलती है तो मार्केट में ऊपर नीचे होता है ना, उस पर हमारी निगाह चलेगी और उस निगाहों के लिए हमारे को देखना पड़ेगा मार्केट कितना पॉइंट ऊपर कितना पॉइंट नीचे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, वो आपको यहां दिखाएंगे। तो आप उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। जिन लोगों का LTP कैलकुलेटर है वो चाहे तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, 2025 रुपए 1 टाइम, एक बार लेता हूं खाली, सिर्फ एक बार, उसके बाद कभी नहीं। 6 मंथ का कोर्स होता है अगर पुराने लोग LTP को जानते हैं तो। अगर नहीं जानते हो, LTP से आपका कोई संबंध नहीं है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो सुन रहे हो, तो कुछ वीडियो देख लीजिएगा, आपका ज्यादा ज्यादा 8-12 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बस ये कहूंगा। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। और जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मेरे ग्रुप में हैं और जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों से निवेदन है कि वो ध्यान से इस चीज को देखें। आपको जहां कहीं पे भी ऐसा लगे तो आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। पहले नंबर पे तो अभी चूंकि ये वीडियो बन रहा था आप मुझसे बात कर सकते हैं। टॉपिक जब बीच में चल रहा हो, नहीं समझ में आए तो मैं बकायदा खुद पूछूंगा, किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और ये मैं रोज करता हूं। आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आए तो ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ ये सोचे कि सर क्या कहेंगे, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा भैया, बैठा इसलिए हूं कि मेरा काम ही है ये, मेरा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप सवाल ही नहीं करो तो भैया मेरी गलती नहीं है, फिर आपके नहीं समझ दोबारा पूछ लो, 3 बार पूछ लो, मैं तो खुद कहता हूं, मैं नहीं कहता जाके वीडियो देखना मेरा, अभी जो आपका सवाल हल कर सकता हूं जो टॉपिक से संबंधित है वो तुरंत कर दूंगा, लेकिन टॉपिक से संबंधित, अदर टॉपिक इसलिए नहीं लेते फिर वो पूरा का पूरा चैप्टर बदल जाता है। चलिए, सभी को अभी स्क्रीन दिख रही है, ओके है, सभी को स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। ठीक है, अब यहां पे कोई सा भी रैंडम टाइम, यहां कोई इस जब ये वाली प्रैक्टिस करोगे ना आप, जो इन नंबर संख्याओं को देखने के लिए, तो यहां पे आपको कोई सिनेरियो देखना ही नहीं है इस वक्त, कौन सा सिनेरियो बना हुआ है, कहां बना हुआ है, कैसे बना हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है इस वक्त आपको। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है, कैसे होता है। आज का मार्केट है, मैं आज के मार्केट को इसलिए हटा देता हूं कि मुझे हो सकता है माइंड में ध्यान हो, ये मार्केट कोई व्यक्ति कोई डेट बोलना चाहता है बोल सकता है ग्रुप में से, बता दीजिए कि सर इस डेट का निकाल लीजिए, और एनी टाइम बोल दीजिए सर इतने बजे का निकाल लीजिए, चलिए, लेकिन चार्ट देख के मत बोलना। चलिए बताइए, बोलिए। 2 सितंबर सर। 2 सितंबर का? 2 सितंबर। दोबारा आवाज नहीं आ रही साहब, इंग्लिश में बोल दीजिए कितना बोल रहे हैं। 2 सितंबर बोल रहे हो क्या सर? मैं ये सुन रहा हूँ। 2 सितंबर। हाँ हाँ, 2 सितंबर। 2 सितंबर। मैं भी 2 सितंबर ही बार बार बोल रहा हूँ, मैं कौन सा अलग बोल रहा हूँ, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ मैं वापस। चलिए, 5 सितंबर की एक्सपायरी थी। वक्त में मैं कोई सा भी वक्त ले लूंगा, क्योंकि आपका कोई मेरे को टॉपिक हल नहीं करना है कि मार्केट सर ऐसा कैसे गया वैसे, क्योंकि यहाँ पे वो चीज कर ही नहीं रहे इस वीडियो में ना, हम लोग यहाँ से वो चीज दिखा रहा हूँ जिसको आपको ध्यान से देखना है। मैं इस मार्केट में एक समय निकाल लेता हूँ, ऑलमोस्ट 11:17,
बिल्कुल रैंडम टाइम एकदम अलग सा, न सुबह का ना मॉर्निंग का ना मुझे पता है, ना मुझे कोई विनय सर का वॉइस नोट सुनना है, ना मुझे कुछ सुनना है, मुझे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मार्केट में आप लोगों के सामने ये सिनेरियो बना हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि सबसे पहले दिए सपोर्ट स्टॉक रेजिस्टेंस स्टॉक, दो एक कहानी तो ये है यहाँ पे, सभी को दिख रही होगी, सभी को दिख रही होगी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, कहीं पे कोई वीकनेस नहीं है, ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग है पहले नंबर। अब जाके देखिए सपोर्ट साइड में सेकंड हाईएस्ट कौन सा है या थर्ड हाईएस्ट कौन सा है, बताइए मुझे, देखिए आप लोग ही बताइए सेकंड और फर्स्ट कौन सा है, बताइए दोनों तरफ देख लीजिएगा। इसमें ये नीचे जो ब्लू कलर का डब्बा जा रहा है ना, ब्लू कलर का डब्बा, इसमें देखना है सिर्फ आपको 25,200 को सेकंड हाईएस्ट मान लेना है आपको, ध्यान रखना सेकंड हाईएस्ट। अगर यहाँ के आसपास को दूसरा और होता 42, 43, 44 जो भी होता तो हम उसको मतलब सेकंड हाईएस्ट मान लेते इस साइड में। ऊपर की तरफ कोई सेकंड हाईएस्ट थोड़ी नहीं है ना, कोई नहीं है, यानी सेकंड हाईएस्ट इधर है ये वाला। ऐसे ही आप आ जाइए रेजिस्टेंस की तरफ, यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, 25,350 है, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें देख रहा हूं मैं, फिर आप लोग कहते ना सर आपको कैसे पता चल जाता है मार्केट यहां से मुड़ेगा वहां जाके रिवर्स होगा, यहां से एक कैंडल बनने वाली है और आप पहले से कैसे प्रेडिक्शन करते हो, ठीक है। जब बाकायदा अगर कोई तेजी होती है तो डर लगता है भाई, तेजी का मतलब बहुत तेजी से परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है बहुत फास्ट, उसमें तो कई बार क्या होता है कि एकदम से हो जाता है, लेकिन जब मार्केट रुका हुआ स्लो स्लो चल रहा है ना तो बहुत आसान है मार्केट में ट्रेड करना, मार्केट में ट्रेड्स करना बहुत आसान है। वो आप लोग, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि आपको वो मार्केट सिखाऊंगा जिसके अंदर आप, लेकिन उसमें चाहिए आपको थोड़ा मोटा पैसा, जहां से 15 या 20 पॉइंट आने की संभावना हो, 15 पॉइंट आने की संभावना हो तो ठीक है एक साथ 5 लोट ट्रेड कर डालिए। आपको तो आपने मुझे ये भी सभी ने कहा था सर ऑलमोस्ट हमें 40-45 पॉइंट मिल जाए या 30 से ऊपर मिल जाए, ज्यादातर लोग कहते सर 30 पॉइंट हमें बहुत है इनफ है निफ्टी के, ये ज्यादातर मैंने भी आपसे इससे पहले वाली वीडियो में जो बात कर रहा था तब मैंने आपसे पूछा, लोगों ने सबने एक ही चीज कही थी सर 30 पॉइंट मिल जाए इस मार्केट में हमें या 30 पॉइंट निकालने की कला आ जाए तो बहुत है हमारे लिए, या आप लोगों ने कहा था सभी ने। अब उस कला को देखिए यहाँ पे, यहाँ पे हो सकता है कि 15-15 करके दो बार पॉइंट निकाल सके या फिर एक साथ 30 भी निकलते हैं, दोनों चीज होती है यहाँ पे, ठीक है। तो जो मैंने पहला तो आपको ये चीज बताई, नोट कर लीजिए, जब भी मैं मार्केट देखूंगा वो लाइव मार्केट होगा, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सेकंड और थर्ड हाईएस्ट, यानी एक तो ये तो हो गया मेन हाईएस्ट मान लीजिए, यानी मेन सबसे बड़ी वॉल्यूम, इसके बाद में इससे सेकंड ये वाली है और होते हो थर्ड भी होती है कई बार, इसके बिल्कुल नियरेस्ट ही होती है वो, तो उसको भी हमें काउंट करना पड़ता है, ठीक है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा। ऐसे रेजिस्टेंस में ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, ये बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं मैं नीचे की तरफ इशारा कर रहा हूं, आप नीचे ही देख रहे हो ज्यादा ऊपर की तरफ, यहां पे इस जगह, ठीक है यहां पे नजर रखिएगा, लेकिन ज्यादा इधर देखते रहिएगा, इधर भी कोई है क्या, तो यहां पे कोई नहीं है, ये दूर है, काफी दूर है सेकंड हाईएस्ट, आसपास वाला सेकंड हाईएस्ट कहलाता है। अब पहली नजर तो मेरी ये काम करेगी, अब दूसरी नजर काम करेगी जो क्या करेगी ये और बता देता हूं। यहां पे जो ओआई चेंज का डेटा है, ये ओआई चेंज का डेटा है आपके सामने, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड ढूंढ लो, इसमें फर्स्ट कौन सा है जो सबसे यहां पे है, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ओआई चेंज, इस फर्स्ट है, इसका सेकंड वाला कौन सा है कोई बताएगा मुझे, और थर्ड कौन सा है, दोनों पे नजर रखनी है, इसमें दोनों पे नजर रखनी है, बहुत गुड रहस्य बता रहा हूं मैं आपको, 50 ये ऊपर नीचे वाले ही है ना कुल मिला के 25,350, हाँ ये दोनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गए, ठीक है इन पे नजर रखनी है हमको, यहां पे नजर रखनी है, अगर ये बराबर है कोई हो सकता है, यहां कई बार बराबर भी होता है तो बराबर नजर रख रहे हो सब जगह, ठीक है ऐसा नहीं सारों पे बराबर है तो सब पे ना बस दो तीन पे नजर इधर रखे रखो कि भाई कहां पे क्या कम हो रहा है कहां ज्यादा हो रहा है, एक चीज। अब आ जाइए यहां पे, इसमें कहते हैं ओआई, ओआई को सभी लोग जानते हैं, ओआई मार्केट में यहां पे भी यही देखो कि इस साइड में सबसे हाईएस्ट तो ग्रीन कलर में रहती रहती है आपके, ये इसके बाद में सेकेंड हाईएस्ट कौन सी है, 200 पे है, यहां पे है, यहां पे 200 पे सेकेंड हाईएस्ट है ये, ठीक है बस नजरें रखनी है सेकेंड हाईएस्ट है, इतनी खाली नजरें रखनी है, ठीक है। अब आपको एक चीज बताइए, इधर ये जो इधर भी ये देख लीजिएगा, इधर भी सेम यही देखना है सेकेंड फर्स्ट हाईएस्ट, इसी तरीके से देख लिया। अब एक और नई चीज बता रहा हूं जो देखने के लिए कहां कहां नजरें रखनी पड़ती है जब हम मार्केट को लाइव मार्केट का प्रेडिक्शन करते हैं, तब यहां पे ये कितनी है
इस संख्या को आप लोग बोल सकते हैं? 1,90,248 बिल्कुल सही है। ओके, इसके पैरेलल अब बीच में कहीं नहीं जाना, इधर इसका कंपेयर उधर से करना है। इसका कंपेयर ध्यान रखिएगा, इसका कंपेयर इधर से करोगे हमेशा, ओआई चेंज का ओआई चेंज से कंपेयर करना है। ये ओआई चेंज इधर कितनी है, इधर कितनी है, ये ध्यान रखना है। इधर कितनी है? 1,23,000, ठीक है, 1,23,000 है, इधर ज्यादा है। ये आप लोग देख रहे हो ना, इधर ज्यादा है, यानी मार्केट, यानी ये सपोर्ट कहलाता है आपकी नजर में, ये सपोर्ट है, सबको पता है भाई। सेट पुट लिखा हुआ था, पुट का मतलब सपोर्ट है ये, यानी कि 1,90,000 का ये जो बैठा हुआ है यहाँ पे, ये मार्केट को कहां तक गिरने देगा वो बता देता हूं, यहां तक 260 तक ऑलमोस्ट, ठीक है। ये कहता है मैं मार्केट को 260 तक नीचे गिर जाने दूंगा, ये अलाउ कर रहा है वहां तक, क्योंकि जब तक ये इससे ज्यादा है। पहले एक एक चीज नोट कीजिएगा, खाली एक का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरे से उसका पता चलेगा दूसरा क्या कह रहा है। ये तीन चार भाई बहन आपस में ये बातें करते हैं तो इनकी बातों से आइडिया निकाला जाता है कि घर में आज क्या पकने वाला है। ये जब बातें करते हैं ना तो इनकी बातों से आइडिया लगाया था ये आज करने वाले क्या है, तभी तो हम लोग पहले से बता देते हैं। दूसरा, इधर 2,77,000 और इधर कितने हैं कॉल साइड में, कॉल साइड में कितने हैं? 2,40,000 है, 2,40,000 है ना, यानी कि इधर भी यही मजबूत है, यानी सपोर्ट मजबूत है, साफ साफ दिख रहा है सपोर्ट मजबूत है। यहाँ पे आपको यहाँ दिखाया ना सपोर्ट मजबूत है, ध्यान से देखिए क्या क्या देख रहा हूं मैं, और ये देखना कोई इतना बहुत हार्ड नहीं है। मैं तो आपके सामने ऐसे मजाक में देखता रहता हूँ लाइव मार्केट के अंदर, मैं तो ऐसे मतलब कहते हैं कोई गाना गा रहे हैं हम तो ऐसे गाते हैं इनको, लेकिन वो अब प्रैक्टिस हो गई साल भर की, साल भर से तो ज्यादा हो गई, लेकिन विशेष तौर से तो साल भर ही मान लो इसको, साल भर बाद तो पता चलने लग गया था इन चीजों का मुझे अच्छी तरह से, भाई कहां से क्या चीज घूमती है। ऐसा नहीं विक्टोर टॉप विक्टोर बॉटम पीले नीले डब्बे देखता था, असली कहानी आ चुकी है संख्याओं में, ठीक है। ये संख्याएं सिखा रहा हूं आज आपको, तो कुल मिला के संख्या यहाँ पे ऐसे। जब आप एक काम करो, ये जो बीच में हमारी इमेजरी लाइन है, ये इमेजरी लाइन है ना, इस इमेजरी लाइन के ऊपर और नीचे उड़ देंगे, यही चीज यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये वाली ओआई की यहाँ पे कितना 73 है आपके सामने, 73,142, इधर कितना है 1,14,000 है कि नहीं है बताइए, मौजूद है? हाँ सर मौजूद है। यानी कि इधर ये कह रहा है कि भैया मैं मार्केट को तू यहां तक तो आ जा, ब्रेकआउट दे रहा है ना, ये देने लग गया ना ब्रेकआउट, जो वो स्ट्रॉन्ग था, ये कह रहा है इससे ऊपर तुझे नहीं आने दूंगा 360 से, क्योंकि मैं खुद यहां मजबूत हूं इस स्ट्राइक प्राइस पे, क्योंकि मेरे पास में यहां पे तुझसे कौन कौन सी चीज ज्यादा है। यहां पे मैं 1,14,000 लेके बैठा हूं, यहां पे मैं ये वाला 73,000 लेके बैठा, यानी इधर वाला जो खिलाड़ी है ना, ये मान लीजिए इधर वाले प्लेयर, इनके पास यहाँ पे कमजोरी है और इनके पास ताकत है। ताकत तो समझ गए ना आप सब लोग, ताकत से तो समझ गए ना, ये इनकी ताकत है और ये जिनकी ताकत जिधर है वो रोकेगा मार्केट, यानी ये ताकत इधर वालों की कौन सी, मार्केट को ऊपर जाने से रोकने की। जो इधर मैं अपना कर्सर चला रहा हूं ना, ये लोग मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, इधर वाले लोग मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, लेकिन नीचे लेके जाते हैं कभी, ये नीचे लेके कभी नहीं जाते, ये सिर्फ ऊपर जाने से रोकने का काम करते हैं। लेकिन अगर ये लोग अपनी पोजीशन जो यहां पे इन्होंने खड़ी कर रखी है, अगर इस पोजीशन को यहां से छोड़ेंगे, तो फिर यहां से अपनी जगह छोड़ने की वजह से मार्केट ऊपर जाता है, न कि इसके ऊपर आने से मार्केट कभी नहीं जाता है, ये सिर्फ मार्केट को नीचे रोकने का काम कर रहा है। और इसकी एक रेंज होती है, इसकी एक रेंज होती है, ये जो आप ब्लू कलर का डब्बा जहां सपोर्ट है, जिसकी आपको पूरी डेफिनेशन सभी को ध्यान है, आपस में आप लोगों को ध्यान है कि जो हमने वहां पे बेसिक कर लेते, तो इसके लिए मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं वीडियो में, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये लोग सपोर्ट है, ये सपोर्ट इसको कहां तक नीचे जा सकता है, एक तो ये वाला होता है, एक सपोर्ट होता है ये, और एक जस्ट इसके नीचे होता है सपोर्ट। जब अगर रेजिस्टेंस मजबूत है, सपोर्ट पूरा मजबूत है तब की बात कर रहा हूं, अगर सपोर्ट में कोई कमजोरी है, अगर सपोर्ट में यहां से नीचे की तरफ विक्टोर बॉटम है, तो फिर ये वाला सपोर्ट कभी भी टूट सकता है, वो आप लोगों को पता है, वो आप लोगों को पता है। इसमें किसी का अभी तक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, अभी तक जो मैंने समझाया आप लोगों को, यहां पे आप लोगों को कोई सवाल आ रहा हो तो मुझसे पूछ लीजिए कि सर ये सवाल आप बताइए, इसमें कुछ ऐसा दोबारा समझाइए, बोल दीजिए। मैंने आप कुछ नहीं बताया,
कि मार्केट में वीक टुवर्ड बॉटम है, वीक टुवर्ड टॉप है, ये मैंने कहा कि ये संख्याएं क्या कह रही है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सी भाषा में बात करते हैं, इनकी भाषा को समझना है। बोलिए सर, एक सवाल बोलिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कि मार्केट कहीं पे भी खड़ा है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बीच में, और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे जैसे मार्केट सपोर्ट की तरफ जाएगा ना, तो ओआई वो धीरे धीरे कम हो जाएगी उसकी। और हाँ, जैसे कि 25,300 का सपोर्ट है सर, ठीक है सर, और उसकी ओआई रेजिस्टेंस से ज्यादा है, ठीक है सर, तो जैसे जैसे सपोर्ट की तरफ मार्केट जाएगा, वैसे वैसे ओआई सपोर्ट की वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो सर उसमें हम क्या करें? वो मैंने क्या कहा, इसके जो चार लाइनें बनाई है, जो हमारी मैजिकल लाइनें चार होती है, बीच में डायवर्जन की होती है ना, तो ये इसका, इसकी जो दो है यहाँ पे, यानी कि एक पड़ाव तो ये है इसका, मतलब 260, एक पड़ाव तो ये है, ठीक है, और एक पड़ाव है इसके नीचे यहाँ वाला, ये दो पड़ाव है, यानी इस दरमियान इतनी दूरी तक मार्केट ट्रेवल कर सकता है। लेकिन क्या होता है, जब यहां से संख्या कम होती है ना, यहां से इस जगह से, यहां से धीरे धीरे कम होने लगती है, इधर बढ़ने लगती है, तो इसका काम खत्म हो जाता है और इसका काम चालू हो जाता है, इसका काम चालू हो जाता है कि तू, मैं नहीं रोक पाया, तू रोक। ये जब तक लड़ता रहेगा तब तक इसमें ताकत है, तब तक मार्केट को नीचे नहीं गिरने देगा। लेकिन जैसे इसने अपनी कमजोरी चालू करी, यानी यहां संख्याएं कम होना चालू हो गई है ना, यहां तो कम होने लग जाए और यहां पीछे की तरफ बढ़ने लग जाए, इसका मतलब कमजोरी चालू हो चुकी है। लेकिन अगर इसका एक विपरीत भी होता है, बताइए क्या, यहां पे कम होने लग जाए लेकिन यहां ज्यादा होने लग जाए, तो इसकी स्ट्रॉन्गता, यानी कि ये मार्केट में ऊपर अपनी पोजीशन ऊपर ला रहा है, ये भी नजर रखनी पड़ती है। ऐसा होता है कि यहां पे कम हो जाए यहां ज्यादा हो जाती है, ये भी आपने देखना कभी, यहां पे ज्यादा हो जाती है। जैसे ऑलमोस्ट अभी यहां 2,77,000 है, यहां पे 1,22 ही है, यहां ज्यादा हो रही है ना, इसका मतलब ये अपनी दावेदारी ऊपर की तरफ पेश कर रहा है, यानी मार्केट ऊपर आएगा। और यहां से अगर कम होने लग गई तो मार्केट यहां से मतलब ग्रीन कैंडल ऊपर बनने लग जाए, यहां से अगर ये इसने पीछे कदम हटाने चालू कर दिया। लेकिन इसके लिए सिंगल फैक्टर काम नहीं करता है, अगर इसको पीछे जाना है तो इन दोनों को जाना पड़ेगा, इन दोनों को, वो तो एक आगे आएगा उससे ही काम चल जाएगा। यानी सपोर्ट साइड में ये वाला जो डायरेक्शन है, जब ये मार्केट सपोर्ट इधर चलता है, इधर है ना, तो सपोर्ट का इधर वाला जो कदम है वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस का अगर कदम है तो दोनों, यानी ये दोनों माँ बेटे हैं या पति पत्नी हो, मान लीजिए इन दोनों को, अगर इन दोनों पति पत्नी को, एक उदाहरण पहले दहली गुरुकुल में दिया था, वो आज दे देता हूं मैं, दहली गुरुकुल में किसने दिया था, किसी शख्स ने, उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि अगर घर से बाहर जाएगा तब तो एक जाएगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जब घर में आएंगे, नहीं सॉरी क्या था पता नहीं, वैसे कुछ था, मैं बोल गया, उसको छोड़ दीजिए, वो उनका उदाहरण था, मैं दे भी नहीं पाऊंगा, याद नहीं, दहली गुरुकुल में सुना था मैंने वो याद नहीं तो क्या फालतू उनके उदाहरण को दूं, सुना था मैंने से, अच्छा डायलॉग था, काफी तालियां बजी थी उनके, मैं भी मौजूद था वहां पे। घर से बाहर जाएंगे तो दोनों जाएंगे और अंदर आएगा तो एक भी चलेगा, एक से काम चलेगा। अच्छा ये था क्या, ठीक है, वो भूल गया डायलॉग था। यानी कहने का मतलब, इनका जो घर है, घर के, मैडम दोबारा बोल रहे हैं, मैडम घर के, मैडम रचना में दोबारा बोल दीजिए, भूल गया मतलब इतनी जल्दी, आपके बारे में, घर के बाहर जाएंगे तो दोनों जाएंगे, घर के अंदर आएंगे तो एक भी आएगा। तो ये सुनिए, ये घर के बाहर, यानी इसका जो घर है तो वो तो उधर है, लेकिन बाहर का रास्ता ये व्हाइट कलर है, जो मान लीजिए आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो ये जब एक रहेगा तो भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा, चाहे ये खड़ा हो चाहे ये खड़ा हो, वाई खड़ा हो चाहे वॉल्यूम खड़ा हो, ठीक है। तो जब दोनों पीछे आएंगे, अब ऐसा नहीं है कि कभी एक आ गया तो उससे कुछ मार्केट में इंपैक्ट आएगा, इंपैक्ट कहां तक आएगा, यहां तक इंपैक्ट आएगा। लेकिन कई बार हमने देखा कि इस डिजिट को तोड़ देता है, वो कारण होता है कि वहां पे ग्रिक्स की वजह से कुछ मार्केट में मोमेंटम बदलते रहते हैं, डिमांड और सप्लाई की वजह से वो 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। लेकिन उस वक्त आपने ये देखा होगा कि मार्केट में अचानक ये जो परसेंटेज होती है बढ़ने लग जाती है, यहां वो बात आ रही जो मैं आपको समझाना चाहता था। आप ये जो 49% है ना, ये उस वक्त 49% नहीं रहती है, ये धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ने लग जाती है और आपकी नजर हमेशा पीले नीले डब्बों को देखने में लगी रहती है, तब आएगा तब आप, लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि 49% 65% हो गया उस वक्त जब मार्केट अपने इस पे खड़ा था, यहाँ के आसपास थोड़ा नीचे, आपने इस चीज को ध्यान ही नहीं दिया और फिर मार्केट एकदम से तेजी से, जिसे ओआई जो चेंज होती ना, ओआई चेंज ये वाली, ये
ऑल ओवर क्रॉस ओवर के आसपास आ चुकी होती है, क्रॉस ओवर कर चुकी होती है, तो ये वाला एकदम से बड़ी कैंडल मारता है तो यहां अपने आप ही 75% दिखने लग जाता है। एक कहानी तो ये होती है। अच्छा, एक दूसरी कहानी और होती है, वो अभी बता देता हूं, अब उसके एग्जांपल अगर कहीं मिलेंगे तो दे दूंगा मैं। अब ये वो एग्जांपल ढूंढना बहुत भारी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को दे दूंगा। अगर ये बिना वीक टुवर्ड्स मतलब टॉप हुए, यानी वीक टुवर्ड टॉप हुए और मार्केट ने अगर इस रेंज को तोड़ दिया, यानी कि 25,360 को तोड़ के मार्केट यहां से 40 पॉइंट ऊपर चला गया।